सो कहीं ना कहीं शायद आपका बिलीफ टूटने लगा होगा, ठंड आ गई है, पढ़ाई की एफिशिएंसी कम होगी। और बेटा ये सोचो आपका टूट रहा है, कितने और बच्चों का टूट रहा होगा, कंपटीशन कम हो जाता है इसी से। तो कम बैक करो लाइफ में। जब भी देखो हम लोग का सिस्टम हैंग कर जाता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, अपन क्या करते हैं, अपन मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और 5 मिनट बाद स्विच ऑन करते हैं। 90% टाइम्स प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कभी कभी रह जाती है, 90% टाइम्स प्रॉब्लम ना। अब मेरी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी एक दिन मेरा डेस्कटॉप नहीं चला था, मेरा फ्रेंड घर पे बैठा हुआ था, तो मैंने बोला कि यार ये चल नहीं रहा है, क्या करूँ, तुम तो इंजीनियर हो तो बताओ। मैंने कहा स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, और स्विच ऑफ करके ऑन किया। सो इट्स टाइम टू रीबूट योर सेल्फ, रीबूट योर सिस्टम। अगर आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं एक सजेशन दूंगा जो बाकी टीचर्स को नहीं बताना है, एक दिन का ऑफ ले लो, एक दिन का अपनी लाइफ से ऑफ ले लो, बंद कर लो सर। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है एक दिन बंद, बंद करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपने थॉट्स लिखो, अपने गोल्स लिखो, अपने लाइफ के ड्रीम्स लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो, एक दिन का फिर लिखो, फिर नेक्स्ट डे बाउंस बैक, कम बैक, रीबूट। तो बेटा उसकी शायद आपको जरूरत पड़ गई है। अगले दिन सुबह उठ के एक कॉफी पियेंगे और वापस कम बैक करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, बाकी टीचर को नहीं बताने का, ये सब ठीक है, लोग गुस्सा हो जाएंगे इन सब बातों से, बट ये करके फायदा हो सकता है। एक बार रीबूट की शायद जरूरत है। तो अगर आपका बहुत सब खराब चल रहा है, टेक अ डे ऑफ। तो यार तुम्हारा ऑलरेडी खराब चल रहा है, 10 दिन ऑलरेडी लैग कर रहा है, एक दिन ऑफ ले, पेज ले, पेन ले और ले खुद पे कि भाई सिर्फ थॉट्स ले करके क्या गलती हुई, कैसे सुधार सकते हैं, क्या शेड्यूल बना ले, क्या टाइम टेबल बना ले, वहां तक डेट है, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको चिपक के एकदम लगकर फॉलो करते हैं। बच्चों देखो यूट्यूब पे आके लोग बताएंगे हाउ टू क्रैक नीट इन 15 डेज, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। आपने काफी पढ़ाई कर रखी है, आप प्रॉपर हो, अभी कुछ टाइम बीता है, अभी कुछ टाइम बचा है, सो आई विल बी ऑलवेज विद यू इन ऑल।